महाशिवरात्रि के पर्व पर शहर के जागृत पुरातन अंचलेश्वर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्तों का मेला लगा। सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त कतारों में खड़े होकर भगवान के दर्शन किए। किस प्रकार का भक्तिमय नजारा अंचलेश्वर मंदिर में था, देखते हैं इस खबर में। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और आज देव के देव महादेव शंकर भगवान की पूजा अर्चना हर तरफ की जा रही है और हर तरफ हर हर महादेव ओम नमः शिवाय के नाम की गूंज हो रही है। वहीं आज शहर के अनेक शिवालयों में भी भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा और शहर के प्राचीन गोंडकालीन जागृत अंचलेश्वर मंदिर का नजारा तो अलग ही था। जहाँ भगवान शिव के दर्शन करने हेतु काफी लंबी कतार आज सुबह से ही लगना शुरू हो गई थी। गौरतलब है ये पावन अंचलेश्वर मंदिर के गर्भ में एक नैसर्गिक जलकुंड है और ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार जलकुंड का ये पानी काफी पवित्र माना जाता है और उसके ठीक बगल में एक शिवलिंग स्थापित है। रानी हिराई ने अपने कार्यकाल के दौरान इस मंदिर का काया पलट किया था और तब से महाशिवरात्रि का पावन पर्व हो या श्रावण का महीना हो, यहाँ पर भक्तों की काफी भारी भीड़ उमड़ती है। वहीं इस मौके पर कुछ भक्तों ने इस मंदिर की महिमा के बारे में क्या कहा, आप स्वयं सुने उनकी जुबानी। कतला है कि मंदिर रानी हिराई ने बांधे है आने ये एक वैशिष्ट है का ये लिंग नहीं एक कुंड है ने कुंडा मधी पानी ये ज्या पानी राजा का कुष्ठरोग नहीं सा होता तो अपन तीर्थ मनु वाटत मैं महाशिवरत्रि महत्मा मे है का आज शिव पार्वतीच लग्न सोड़ा मन आज शिवर्रि दिवस मानला जो लोक फार पुष्क गर्दी आती। कोरोना नर बयाच दिवसान पुनः महाशिवरत्रिच दर्शन घेता है भक्तांना भक्तिभावाने सगळे लोक येतात। पुरातन मंदिर आहे, खणक्या बल्लाळशाहचा इतिहास लाभलेलं हे मंदिर आहे, याची पौराणिक कथा आहे। या कथेचं महात्म्य संपूर्ण विदर्भामध्ये प्रचलित आहे। चंद्रपुरासह सगळ्या विदर्भातून या महाशिवरात्रीच्या दिवशी या मंदिरामध्ये भक्तगण येत असतात दर्शनासाठी, याचा लाभ सर्वजण घेत असतात। इस मौके पर भारी संख्या में भक्तगण दर्शन लेते हुए दिखाई दे रहे थे, साथ ही पुरुष महिलाओं के साथ युवक युवतियों की भी काफी बड़ी संख्या में मौजूदगी थी और सभी लोग पूजा अर्चना में लीन दिखाई दे रहे थे और आराधना कर रहे थे। इस मौके पर कमल स्पोर्टिंग क्लब की ओर से भक्तों को प्रसाद का वितरण किया जा रहा था, जिसमें कमल स्पोर्टिंग क्लब के रघुवीर अहिर के साथ अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर शहर के मशहूर छायाचित्रकार देवानंद साकरकर भी मंदिर में मौजूद थे और उन्होंने इस भक्तिमय नजारे को अपने कैमरे में कैमराबंद किया। प्रस्तुत है इस भक्तिमय नजारे के कुछ भक्तिमय दृश्य। सिटी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि वैभव यारकर की रिपोर्ट।